बहुत ही बड़ी खुशखबरी आई है हमारे घर पर। हमारे घर एक नया नन्ना मेहमान आया है हमारे सब्सक्राइबर को सरप्राइज देने। जी, व्हाट इज द बेबी जेंडर, मतलब बेस्ट फ्रेंड्स गोल्स के साथ साथ बेबी गोल्स। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आप सभी का नियान की नौ जग भरी छोटी सी दुनिया में। तो गाइस, आप लोग सोच रहोगे कल हमारा व्लॉग क्यों नहीं आया। तो गाइस, हमारे व्लॉग नहीं आने का रीजन ये है कि हम लोग गाइस बहुत ही मुश्किल घड़ी से गुजर रहे हैं फिलहाल अभी के लिए, क्योंकि हमारी लाइफ में नया मेंबर आया है। तो हमें गाइस नए मेंबर के हिसाब से चलना पड़ रहा है। ऐसा हो गया हमारे साथ, सीन हो गया ना गाइस, मैं बताती हूँ आप लोग को कि हम लोग सोते हैं सुबह में 9-10 बजे। मैं तो 12 बजे सोता हूँ। 12 बजे सोते, मैं 9-10 बजे सोती हूँ गाइस। दोपहर के 12 बजे सोता हूँ मैं, दोपहर के नहीं, लोगों को लगेगा रात में 12 बजे, ऐसा सुबह के 9 बजे मैं भी सोती हूँ। और फिर बाद में 2 बजे दोपहर में मुझे उठना पड़ता है फिर से इसकी मालिश वालिश करा के। फिर मेरे को इतनी नींद आती है कि 2-3 घंटे की नींद में इंसान कैसे पूरा दिन स्ट्रगल करेगा भाई। लेकिन क्यों इतना बजे सो रहे हो कौन बताएगा, ये आधी अधूरी न्यूज देखी तो कैसा चलेगा। गाइस, हम लोग इसीलिए इतने बजे सो रहे क्योंकि जोहान भाई का जो रूटीन है गाइस, वो सुबह 5 बजे से जो चालू होता है जागने का, सुबह के 12 बजे तक भाई का सेशन चलता है। कितने घंटे हो गए, 5 से 12, 7 घंटे गाइस वो जागता है सुबह में। और उसके बाद में हम लोग को भी जागना पड़ता है जबकि 5 बजे हमारा सोने का टाइम है। उस वजह से हम लोगों का जो रूटीन है गाइस वो बहुत ज्यादा खराब हो गया है। तो हम लोग अभी कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, पर हम लोग व्लॉग नहीं बना पाए गाइस, यही मुश्किल है और क्या आगे करेंगे। मेरी लाइफ का एक ही मकसद है, मकसद ये है कि मैं जब भी नवी मुंबई से बॉम्बे जाऊं तो मैं खाली हाथ जाऊं। ये कभी नहीं होता है गाइस। यहां पे देखो, जब भी मैं निकलूं कम से कम गाइस 8-10 बैग तो रहती है। ये मेरी लैपटॉप की बैग है, ये मेरे कपड़े की बैग है, ये मेरे घर के कपड़े की बैग है, ये निदा की बैग है, ये जोहान की बैग है। मतलब गाइस लाइफ में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि हम लोग बिन बैग के गए। और ऐसा हालत खराब हो गई ना गर्मियों में गाइस, मैं आप लोग को क्या बताऊं। तो गाइस अभी निदा आप लोग को बताएगी कि हम लोग अभी कहां जा रहे हैं, जितना सच सवर के हम लोग रेडी हुए। हम लोग बहुत ही अच्छे मकसद के लिए जा रहे हैं, दो अच्छे मकसद के लिए जा रहे हैं, क्योंकि दोनों बहुत ही बड़े मकसद है और बहुत ही बड़ा सरप्राइज है आप लोगों के लिए, बहुत ही खुशी की बात रहेगी गाइस ये। ठीक है, तो अभी फटाफट उतरते हैं इतना बड़ा झंबोड़ा लेके और फिर आपको कार में मिलते हैं। फाइनली हम लोग निकल चुके हैं और नीचे आते साथ सामान रखने के बाद मुझे याद आया मेरे फोन के बारे में और बेचारे सुफियान फिर से लेने गए मेरा फोन ऊपर। गाइस लिटरली मैं बता रही हूँ, इतनी गर्मी मतलब 41 डिग्री आज तो टच हुई है। आप लोग के स्टेट में और आप लोग की सिटी में बताना कि कितने डिग्री गई थी आज धूप, क्योंकि आज हमारे यहाँ पर तो 41 डिग्री थी। क्या बोलते हो सुफियान, हालत खराब है, देखो पूरा लहू लुहान हो गया पसीने में, लिफ्ट में जाके क्यों जबरदस्ती की इस्त्री करते हो आजकल गाइस। कपड़ों में इस्त्री करके इलेक्ट्रिसिटी भी वेस्ट मत करो, कपड़े पहनो बाहर निकलो पसीना आएगा सीधा इस्त्री हो जाएगी, इस्त्री के साथ में स्मिस मिली भी आएगी ना फिर। घूमो देखो अभी मैं गरीब भाई, ये सीजन मेरे लाइक का है ही नहीं, मैं निकल नहीं सकता नहीं यार। इसके लिए मैंने देखो आधा डजन टिश्यू मेरा पूरा वो हो गया, इतना पसीना निकला, टपक रहा है पसीना लिटरली, देखो पसीने के टप्पे, ये देखो पूरा लिफ्ट में ना खड़ा था ना मैं, टप टप करके चेहरे नल खुला छोड़ दिया। यार तुम गोरे लग रहे हो, पसीना आया ना पूरा मैल निकल गया चेहरे का, तो गोरे दिखूंगा ना चेहरा तुम्हारे। बाप रे पीछे तो देखो कितना पसीना निकलता है, देखो बहुत पसीना निकलता है। तुम बस अभी जस्ट बात लेके आए हो, जोहान को भी निकलेगा बेटा होता है पसीना, जोहान को आता ही अभी भी। मैं ये पेट्रोल पंप पर आके सोचने लगी कि सुफियान कैसा वो जमाना था ना जब अपन सिर्फ 50-50 रुपए का पेट्रोल भराते थे, बोलते थे कि यार 50 रुपए खाने का है, 50 रुपए पेट्रोल का है, 100 रुपए। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग को ऐसा है कि अच्छा लगा ये, मतलब हमेशा फील करती हूँ कि यार अब सोचना नहीं पड़ता, अब ऐसा कि हाँ फुल कर दो। माशाल्लाह हम लोग निकल चुके हैं पेट्रोल पंप से और इतनी एक्साइटमेंट है हम लोगों की, हम लोग बताना ही भूल गए आपको कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं। तो गाइस हम निकले हैं दो बहुत ही अच्छे मकसद के साथ। पहला मकसद आपको मैं बताती हूँ कि एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आई है हमारे घर पर। हमारे घर एक नया नन्ना मेहमान आया है गाइस। आया है या आई है वो अभी तक पता नहीं, वो जाके पता चलेगा। तो गाइस पहले के व्लॉग्स में आपने देखी रहोगे कि मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड हम दोनों कोइंसिडेंटली माशाल्लाह साथ में प्रेग्नेंट हो गए थे, मतलब 2-3 महीने के गैप से। और हम लोग दोनों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि बेस्ट फ्रेंड गोल्स हो रहा है, साथ में बच्चा करने वाले है। अब जाके उसकी डिलीवरी हुई है गाइस, डिलीवरी होके टाइम हो गया, मैं हॉस्पिटल में नहीं जा पाई बिकॉज ऑब्वियसली जोहान है और वो रहती है कांदेवली में गाइस। अभी हम लोग यहाँ से कांदेवली जाएंगे, पहले बहुत दूर है आई नो, बट एटलीस्ट वो घर पर आ गए तो हमने सोचा कि अभी घर पे जाके उससे मिल लेते, तो जोहान को हॉस्पिटल में नहीं लेके जा सकते, फिर जोहान को रखे तो रखे का, अब जोहान को भी लेके जा सकते हैं उसके भाई या बहन से मिलाने के लिए। और सेकंड जो मकसद है हमारा, हम लोग जाने वाले है हमारे सब्सक्राइबर को सरप्राइज देने। जी हाँ गाइस, जो हमारे गिव अवे के विनर है, हमने जो अनाउंस किए थे 5th of April को, उसके विनर को हम अपने हाथों से उनका प्रोडक्ट डिलीवर करने जा रहे हैं। एक्चुअली हमारा
प्लान नहीं था वहाँ पे जाने का। यस, क्योंकि गाइस हम लोग को जाना पड़ रहा है क्योंकि जो उनका कुरियर था वो कुरियर पार्टनर ही नहीं मिल रहा वो एरिया के लिए जहाँ का उनका घर है। yes. तो हम लोग बोले चलो ठीक है मुंबई में ही है तो खुद ही चले जाते हैं, उनको एक सरप्राइज भी मिल जाएगा। yes. और हमारा काम भी हो जाएगा। और राइट, हम लोग को देखना है कि सब्सक्राइबर्स क्या रिएक्ट करते। अभी तक तो दोस्तों ने बताया कि कैसा उनका एक्सपीरियंस है हमारे प्रोडक्ट के साथ, अब हमको पता चलेगा कि सब्सक्राइबर का क्या है रिव्यू। उनको पता नहीं है कि हम आने वाले हैं। यस गाइस, हमें पहचान एक्चुअली हम लोग ने क्या बोले कि हम लोग ने बोले कि हमारा कोई टीम मेंबर आने वाला है, आपका वीडियो भी शूट करेंगे ताकि ऑब्वियसली उनको भी ऐसा हो कि वीडियो में आने वाला है तो वो थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रहेंगे, वरना एकदम से वीडियो ऑब्वियसली किसी के घर पे जाके आप वीडियो नहीं ले सकते उनकी परमिशन के बिना। तो मैंने सुफियान को बोला कि हमारी टीम जो कस्टमर सर्विस है उनसे बात करो, उनको बोलो कि कोई आएगा हमारी टीम से आपको डिलीवरी करने स्पेशली। तो लेट्स सी गाइस, उनके लिए तो बहुत ज्यादा शॉकिंग होगा, उससे ज्यादा तो मुझे हार्ट बीट ऐसा हो रहा है। और गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं कहीं, तो वहां पहुंच के बताती हूँ। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं स्नेहा के बेबी के लिए कपड़े लेने के लिए यहाँ पर, और मैं देख रही हूँ यहाँ पे रोम्पर्स ओनली। तो गाइस हम लोग फाइनली लोकेशन पे पहुंच चुके हैं और हम लोग को यहाँ पे बिल्डिंग नहीं मिल रही है। बाप रे बाप, मतलब एज इन हम लोग फर्स्ट टाइम मीरा रोड आए हैं, आई मीन किसी के घर पर। एक्चुअली हमने व्लॉग में भी नहीं बताया, व्लॉग में भी नहीं बताया कि हम कहाँ जा रहे हैं। यस गाइस, जो विनर है वो मीरा रोड में रहते हैं, तो हम लोग को 2.5 आवर लगा यहाँ पर आने के लिए। तो गाइस पता नहीं क्या हो गया है यहाँ पर, सुफियान को बोला गया है कि पीछे से जाना है, तभी सुफियान यू टर्न ले रहे हैं, तभी बोल रहे थे जाओ 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 जाओ। गाइस अभी जाते हैं, अभी देखते हैं। मैं तो बहुत नर्वस हूँ, मैं कोई सब्सक्राइबर के घर पर जा रही हूँ पहली बार। मैं वहाँ जाती हूँ तुम्हारे को अगर नहीं पहचाने, बोले हाँ यार बस्तड़ी हो जाएगी मेरी, थैंक यू आने के लिए, बस तुम्हारे मुंह पे दबा कर दे। क्योंकि हम लोगों ने अभी उनको, हमारी टीम जो सपोर्ट है कस्टमर सर्विस, उनको हमने बोले फोन करने के लिए और बोलने के लिए कि हम लोग 10 मिनट में पहुंच रहे हैं। हम लोग मतलब कोई टीम मेंबर हमारा 10 मिनट में पहुंच रहे हैं पार्सल लेके। अच्छा आपका ही है क्या? ये मेरी बेटी। वालेकुम अस्सलाम, आपको पता था हम लोग आ रहे हैं? मुझे आपकी आवाज़ से लग रहा था, मैं बोल नहीं पा रही थी। मेरी आवाज़ से? कहाँ से आवाज़ आई? निदा खान, आपकी ऐसी आवाज लग। नहीं, वो मेरे कस्टमर सर्विस है। चलो अच्छा, यही मिल गए। एक सेकंड। हैंड ओवर द गिफ्ट टू द गिव अवे विनर। थैंक यू सो। हम लोग डर रहे थे कि आप पहचानोगे नहीं पहचानोगे, पता चला आपने दरवाजा मुंह पे ही बंद कर दिया, बोले चलो थैंक यू। कैसा लगा आपको हमारा? बहुत अच्छा लगा। उम्मीद नहीं थी कि इतने हजारों लोगों में से हमारा नाम आएगा, एंड आई एम रियली एक्साइटमेंट कि सोचते हैं कि इन्हें बोली नहीं सकते। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मैं ये पूछ रही थी कि आपको हमारी कलेक्शन कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी मुझे, सबसे ज्यादा पॉचर्ट लगा। अच्छा, आजकल सारे ट्रेंडिंग में वो भी है। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट। तो कैमरे के सामने वो नहीं बोल पा रहे, बट ऑफ कैमरा बहुत कुछ बोल रहे। तो मेरे को वापस आपसे सुनना है कि आपको कैसा लगा जब आपको पता चला विनर आप हो? विनर तो ऐसा हुआ था कि उसमें इतने गिनन हुए थे कि 10वें 8वें में हम लोग का नाम आ गया था। हाँ। तो बोलते हैं ना कि नसीब, अगर नसीब बेशक होना ही है, पहले हाथ का है किस्मत का होना ही है बस। और जब रमजान में पता चला था कि हमारा लगा है तो शायद ही मैं एकदम ही पागल हो गई थी, मेरे से सहरी भी नहीं पड़ पा रही थी। मुझे अच्छा लगा कि लोगों में इतनी एक्साइटमेंट है ब्रांड को लेके और गिव अवेज को लेके। आपको पता है अंदर क्या है? आप घर जाके पता चलेगा। नो आइडिया, मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन आई थी कि मूनलाइट मिलने वाला, हाँ हाँ, इतना ही मुझे पता था। चले आप घर जाके पहन के देखना उसको अच्छे से, और हमको जरूर बताना कि कैसा लगा आपको पहनने के बाद। मैं आपको उसका रील बना दूंगी इंशाल्लाह जरूर, और इफ पॉसिबल वीडियो आप पहन के आपके फेस के साथ हम लोग अपने पेज पे भी स्टोरी वगैरह पे डालेंगे अगर कम्फर्टेबल हो तो। चले थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच। और यहाँ पे छोटी सी फैन आ गई, क्या बात है मेरा भाई, क्या बात है। मतलब मैं क्या ही बताऊँ कि मुझे कितना अच्छा लगा उन लोग से मिलकर। और अंकल बेचारे इतना फोर्स कर रहे थे, मतलब जो सब्सक्राइबर थे उनके डैडी, वो बहुत फोर्स कर रहे थे कि ऊपर चलो ऊपर चलो, बट लिटरली गाइज हम लोग टाइम लिमिट से आए थे, हम लोग को नहीं पता था कि हम लोग को पहुंचते पहुंचते
रास्ते इतना लेट हो जाएगा, वरना हम जरूर उनको भी टाइम देते। स्नेहा का भी बेबी है ना, और वो थोड़ी ना जाग सकती है, उसको अभी सीजर हुआ है उसका, तो वी थिंक कि उसको इतनी तकलीफ नहीं देना चाहिए। बिकॉज मैं वो चीज से जा चुकी हूँ कि कोई मिलने आता था तो मैं बार बार बैठ नहीं पा रही थी। बहुत अच्छा लगा था मिलके, बहुत और अंकल का प्यार देख के बहुत अच्छा लगा। वो तो अच्छा है नसीब से, वो लोग गाड़ी पहचान ली। और उनको क्या लगा बताओ? उनको ऐसा लगा कि हमारी जो कस्टमर सपोर्ट है वो फीमेल है, तो उनको लगा कि मैं बात कर रही हूँ उनसे और मैं बोल रही हूँ कि टीम मेंबर आने वाला है, और उनको पता ही था कि मैं ही रहूंगी। हाँ यार, थोड़ा ये इधर चौपट हो गया। हाँ यार, मैं मतलब क्या सोच के आई थी कि ऐसा होगा, उनके घर पे दरवाजा खोलेंगे हो जाएगा। बट नहीं, फिर भी देख के उन लोगों को बहुत शॉक लगा, बहुत शॉकिंग था। एग्जैक्टली, वरना मैं तो बोला था मुंह पे दरवाजा ही बंद करेंगे फाट करके। थैंक यू, आ गया गिफ्ट। और जैसी मैं बोली अंकल से ही पूछ रहा हूँ, अंकल ही बोल रहे अरे मेरा ही घर है। मैं अंकल से पूछा, मैंने अंकल X6 किधर है? अंकल बोले बेटा अपना ही आओ। बोले आओ, लेके और पूछ पूछ यही पर काम हो गया। बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। वी जस्ट सरप्राइज्ड आवर गिव अवे विनर। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो गाइज, और इतनी गर्मी है, जुहान पूरा पसीने में लथपथ, और तो और हमारे वो सब्सक्राइबर ने जुहान को देख लिए गाइस। तो अब देखते हैं जुहान को। हेलो, बहुत ही गंदे। कांग्रेचुलेशन। क्यों? बाहर से आई है ना, तो क्या करते हैं? पानी उतार रही है। अच्छा, ऐसा कुछ है क्या? किस पे से उतार रही है? तुम दोनों पे से। वाह, अरे वाह, ऐसा कुछ होता है? हाँ। हमारे में तेल लगाते हैं। हाँ, मतलब भाई सबका अलग अलग ट्रेडिशन। नहीं तो फिर वो आते, क्या बोलते हैं उसको, हेलो कांग्रेचुलेशंस न्यूली मदर। कांग्रेचुलेशंस टू यू टू, योर बंडल ऑफ जॉय। फाइनली हम लोग स्नेहा के घर पर आ गए थे। फियान भी आ चुके हैं, जुहान को लेके खड़े हुए हैं, और हमने खाना पीना सब कुछ, मिलना झुलना, बच्चे से मिलना, बच्चे की माँ से मिलना, बच्चे के बाप से मिलना, सबसे मिल लिए, और जुहान से भी इन लोग दोनों ने मिल लिए। और अभी बारी आ रही है गाइज, जो हमेशा हम लोग करते हैं, यू नो गाइज, बेबी के लिए कुछ हम लोगों ने लाए है। आप मदर हो, आपको ये हम देना चाहते हैं फॉर बेबी। जरूर देखिए और बताइए। थैंक यू सो मच। और देख, एटलीस्ट उसमें कुछ है जो मैंने स्पेशली लेकर आई हूँ। देख, तेरे लिए कुछ नहीं ला पाई, तो तेरे बच्चे के लिए कुछ ऐसा लाई हूँ। माँ बाप की वैल्यू नहीं है अभी, सिर्फ बच्चे की वैल्यू। हाँ, ओह माय गॉड, क्यूट है ना, बट दिस इज नॉट फॉर यू। मतलब जो तेरे लिए इसमें एक सरप्राइज है, तेरे लिए कुछ एक सरप्राइज है इसमें। ओके, ये तुम्हारे लिए। Oh, I love mommy. क्यूट है ना। सो दिस वॉज समथिंग, यू नो, कि तेरे लिए हम लोगों ने लेकर, उसमें डैडी भी था, बट मम्मी बस ज्यादा डिजर्विंग होती है, तो मैंने मम्मी का लेकर। वैसे मैं सुफियान का नहीं ली हूँ, मेरा ही ली हूँ। अच्छे तुम लोग में मासा बोलते, हम लोग में मामा। ए, तू, मौसा, मौसा। एक मिनट, तू रिश्ता का रखना चाहती है हम लोग के साथ? बहन है ना मेरी। तो बहन तो मासी कैसे? अच्छा, हाँ, मैं मासी। मासी ना, पागल। अच्छा, हाँ हाँ, हम लोग में खाला खालू होता है। नो नैपकिन्स, अभी बहुत काम आएगा आपको आगे जाके, ये सब चीजें धीरे धीरे मालूम पड़ेगी। और बस ऑल द बेस्ट फॉर योर बेबी। थैंक यू। और हमारा जो जोहान है, उस तुम लोग क्योंकि एक्सपीरियंस तो बताते रहना। हाँ, स्नेहा, बट सबसे बड़ा सरप्राइज तो एक और है। अरे वो तुम बताओ कि व्हाट इज द बेबीज जेंडर, मतलब बेस्ट फ्रेंड्स गोल्स के साथ साथ बेबी गोल्स। यस गाइस, मतलब इतना हम दोनों का सिमिलर हो चुका है, इट्स अ बेबी बॉय। ये हम दोनों भी एकदम जन्म जन्म के साथ ही है, हम दोनों को बच्चा भी साथ में, बच्चा हुआ भी तो लड़का हुआ, तो बहुत अच्छी बात है। मेरे बच्चे को एक भाई मिल गया, और इसको भी एक भाई मिल गया। हम लोग करेंगे जैसे हम थे, वैसे इन लोग दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हो, बहुत मजा आ जाएगी। यू नो, डोंट वरी, दोनों बच्चे मेरे पास ही खेलेंगे। हाँ, बहुत एंजॉय करेंगे। दोनों को पकड़ लो, पकड़ लो। पहले नहीं नहीं बोले इनने, पहले नहीं नहीं बोले कि मत लेना मत लेना, फिर उसको बोलते हाँ दे दो दे दो। हाँ, मतलब कुछ बोले नहीं तुमने, है ना, उसे कुछ बोला नहीं फिर उसके बाद। बाप को चाहिए ये, एक्चुअली वो जमा करते हैं और खुद अपने पे उड़ा रहे हैं पैसा। कुछ ले नहीं पाए, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सबसे ज्यादा ध्यान बस तुम लोग। हाँ, 40 दिन एक दूसरे पे ध्यान दो, ये भी बोल रहा हूँ। बस तुम लोग बस जल्दी से जल्दी 40 डेज कम्प्लीट करो, और मेरे यहाँ पर अभी तुम लोग को दावत है, ठीक है? फिर तुम लोग मेरे यहाँ पर आना, फिर मम्मी डैडी के लिए भी कुछ सरप्राइज रहेगा इंशाल्लाह। तुम लोग दोनों का पहले आना पड़ेगा, समझे ना? थोड़ा सा इसके लिए
बाहर निकलेंगे ना तब सबसे पहले उधर ही आना। हाँ सबसे पहले उधर ही आना, भाई लेकर आना है आज से। व्लॉग में बोल दिया तुमने, हाँ बहुत टाइम बोले, एक बार भी नहीं आई है। बताओ ये बेस्ट फ्रेंड है, बताओ कट्टी कट्टी। अरे तो तुरंत फिर प्रेग्नेंट कर लो, से कट्टी कर लो तो गाइस हम लोग अभी निकल रहे हैं स्नेहा के घर से। अब सुहान की नानी क्या चाह रहे हैं, क्योंकि कल जुहान का कुछ तो दिल है, वो आपको कल पता चलेगा। एंड वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस, कांग्रेचुलेशंस भाई। चलो मिलते हैं, हास्ता ला विस्ता, बाय बाय। फाइनली हम लोग आ चुके हैं घर पे, और गाइस गर्म इतना है, गर्म इतना है कि मैंने तो न्यूज सुना हूँ कि लोगों की डेथ हो रही है गाइस। मतलब लिटरली इतने बुरे हाल लाइफ में कभी नहीं है। ये सब क्लाइमेट चेंज है गाइस। मैंने कहीं तो पढ़ा था कि 12 साल में एक बार ऐसा टाइम आता है क्लाइमेट क्लाइमेटिक चेंज बोलते हैं, जिसमें बहुत सारे भूकंप आते हैं, बहुत सारे तूफान आते हैं, सुनामी आती है, तबाही होती है, बहुत सारी चीजें होती है। तो गाइस बस यही दुआ करूंगा कि बस हमारी आखिरत जो है अल्लाह अच्छी कर दे, हमें नेक बना दे। और गाइस बहुत ज्यादा डर लग रहा है कि आखिरत नजदीक है। हम सबको तो ये सब पहले से ही पता है, आप लोगों को भी पता होगा, कुरान शरीफ में लिखा है, हदीस में लिखा है कि दुनिया खत्म हो जाएगी, कयामत आ जाएगी, उससे पहले सुधर जाओ। कब क्या पता कब तौबा के दरवाजे बंद हो जाए और हमें तौबा करने का मौका भी ना मिले। इसलिए दिन भर तौबा करते रहिए, अल्लाह से दुआ मांगते रहिए, नमाज पढ़ते रहिए, कुरान पढ़ते रहिए, लोगों का अच्छा सोचते रहिए, बुरा मत सोचे किसी के बारे में, ना बुरा बोले किसी को। अगर आप किसी को बुरा बोलते हो, आपकी अच्छाई उसको लग जाती है और उसकी बुराई आपको लग जाती है, ऐसा मैंने सुना और ऐसा होता भी हुआ, क्या पता। बाकी अल्लाह के घर में सब एक है, अनेक है। ठीक है गाइस, तो व्लॉग को अभी यहीं पर एंड करते हैं। और निदा की खुशी तो गाइस बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसकी बेस्ट फ्रेंड को भी सेम चीज हुई है जो उसको हुई है। इससे बड़ा बेस्ट फ्रेंड गोल्स क्या हो सकता है गाइस, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। तो व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। लव यू, अल्लाह हाफिज।